नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है धाकड़ क्लास की ऑनलाइन कक्षाओं के अंदर। मैं हूं आपका नरेंद्र सर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द शुद्धि के बारे में। शब्द शुद्धि दोस्तों है क्या? ये टॉपिक आपको पता होगा, जैसे आपने पुराने एग्जाम भी दिए होंगे। ये टॉपिक ऐसा है कि हर एग्जाम में पूछा जाता है और जो इसके प्रश्न बनते हैं, प्रश्न बहुत सरल बनते हैं, लेकिन अगर चार प्रश्न हमें दिए जाए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मैं चार प्रश्न अगर वहाँ कम से कम आते हैं तो उसमें से कई बच्चे होते हैं जो एक से ही करते हैं, कोई ज़्यादा पढ़ने वाले दो से ही करते हैं, ज़्यादा और ज़्यादा पढ़ते हैं तो तीन से ही करते हैं, लेकिन बहुत कम रेयर चांसेस में ऐसा होता है किसी बच्चे ने चार में से चार राइट कर दिया। होता क्या है कि शब्द हमारे सामने होता है, हम इतने समय से पढ़ते आ रहे हैं, इतने समय से समझते आ रहे हैं, फिर भी हम कहीं गलती कर लेते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण के बारे में मैं बता दूं, क्योंकि इस क्षेत्र में काफ़ी समय हो गया मुझे पढ़ाते हुए, अनुभव विकास है। और आप कहते हैं कि सर आप आ जाओ टाइम पे वगैरह, जैसे आप लोगों का स्नेह मिलता है मुझे, आप लोगों की प्रार्थनाएं मेरे साथ जुड़ी है, आप लोग मेरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, तो आप कहते हैं तो मैं आपको ये अनुभव साझा करूंगा कि इसका मेन एक ही कारण है कि हम शब्द शुद्धि को कभी गंभीरता से नहीं लेते हैं। गंभीरता से नहीं लेना एक बड़ा कारण है, और जब हम गंभीर होते हैं इसके प्रति, क्योंकि एग्जाम में कभी भी जैसे जब एग्जाम आता है तो हम शब्द शुद्धि को पहले देखते ही नहीं है, भाई शब्द शुद्धि को क्यों देखें, वो तो लास्ट टाइम में देख लेंगे, तो वो चीज़ हमारे पकड़ में नहीं आती, पकड़ में नहीं आती। और साथ में दूसरा आप क्या करते हैं उसके साथ में, कि आपने किसी बड़ी किताब को उठा लिया या कोई भी बंच होता है कोचिंग सेंटर से दिया जाता है, वो बंच आपने ले लिया और उसको देखना आपने शुरू कर दिया, इससे इसका निराकरण नहीं होने वाला। यही कारण है कि कहीं एक राइट होगा, कहीं दो राइट होगा, कहीं तीन राइट होगा। मैं फालतू नहीं बता रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक इसे सुने, क्योंकि यहाँ पर आपको चार जो नंबर है वो फ्री के मिलने वाले, अगर आपने अच्छे से इस शब्द शुद्धि भाषा विषय को पढ़ लिया। अब मैं जो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, एकदम साइंटिफिक है, आपको किसी किताबों में नहीं मिलेगा, बस आप लोगों के लिए है जो मेरे से जुड़े हुए हैं, चाहे आप आर एस बन जाएं, चाहे फर्स्ट ग्रेड में चले जाएं, चाहे आप डी ग्रुप में, हालांकि मैं डी ग्रुप पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप मेरी वीडियो को सिर्फ डी ग्रुप में काम ले। जो मैंने आपको स्तर दिया है वो स्तर आप बड़ी आर एस तक काम लीजिए, बहुत अच्छा स्तर रहेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, शब्द शुद्धि अच्छे से समझना, कॉपी किताब लेके बैठें, और ये इस शब्द को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अभ्यास की जरूरत होगी। वो कैसे हैं हम पढ़ते हैं शब्द शुद्धि के बारे में। देखो दोस्तों, शब्द शुद्धि जिसे शब्द वर्तनी कहते हैं, यानी शब्द को शुद्ध रूप से लिखना, तो वो कहलाता है हमारा शब्द शुद्धि। अब इसके कारण देखो क्या है, अशुद्ध वर्तनी के कारण क्या होते हैं, मैंने एक बार लिख दिया है तो आप इसको भी देख लो कि अशुद्ध वर्तनी के कारण क्या है। एक तो स्वर का आगम, देखो यहाँ पर ध्यान रखना, स्वर का आगम में क्या है कि यहाँ पर मैंने एक संधि युक्त शब्द लिखा है स्वर आगम, स्वर प्लस आगम, यानी स्वरागम या स्वर का लोप, या तो हम किसी शब्द में स्वर का आगम कर देते हैं, है ना, स्वर को ज्यादा ऐड कर देते हैं, या फिर स्वर का लोप कर देते हैं, तो वो ही कारण होता है कि अब यहाँ पर शब्द शुद्धि में एक गलती हो जाती है। जैसे मैं बोलता हूँ कि वापिस, है ना, तो वापिस गलत हो गया क्योंकि हमने स्वर का आगम कर दिया, पी नहीं होता, वो वापस होगा, ठीक है दोस्तों। और व्यंजन आगम, अगर हम कई जगह व्यंजन का आगम कर देते हैं तो भी शब्द हमारा गलत हो जाता है। जैसे हम कहते हैं कि समुद्र, ठीक है, तो समुद्र नहीं होता, ना नहीं आएगा इसके, समुद्र समुद्र द्र आएगा, है ना, तो स्वर का आगम, मैं अभी बता रहा हूं लेकिन लिखवा दूंगा आपको। और यहाँ वर्ण कर्म भंग या परिवर्तन, या तो वर्ण को आपने भंग कर दिया है, ठीक है ना, आगे पीछे वर्ण को ले लिया आपने किसी शब्द के अंदर, परिवर्तन कर दिया आपने, जैसे ये र की मात्रा अगर इसके ऊपर आई है तो आपने आगे पीछे ले ली, है ना, परिवर्तन कर दिया, या इसके कर्म को भंग कर दिया, गलत वर्ण का यहाँ प्रयोग कर दिया, तो भी आपका शब्द जो है वो अशुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो कि जैसे वर्ण, कोई वर्ण है या संयुक्ताक्षर है, ठीक है, संयुक्ताक्षर मैंने आपको बताया थे कौन कौन से हैं, है ना, शत्रज्ञ स्र, ये है हमारे संयुक्ताक्षर, पीछे वाली क्लासों में जाके देखो। अब मैं बार बार उसी लूंगा तो आपका क्या है, आगे वाला कोर्स जैसे आप कह रहे हैं सर के एग्जाम आने वाले हैं, तो मैं ज्यादा इस टॉपिक पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आपको बस आगे बढ़ाना है। तो वर्ण संयुक्ताक्षर संधि संबंधी, अब संधि भी आपकी करवानी है, इसके बारे में आगे बात करता हूँ आपसे, संधि संबंधी नियमों का ज्ञान न होना, तो यहाँ पर भी आपकी शब्द शुद्धि गलत हो जाएगी, यानी अशुद्ध वर्तनी हो जाएगी। तो अब बात ये, यहाँ तक आपको समझ में आया, कुछ नहीं था, मैंने एक बेसिक आपको बताया था ये चीज़ें हैं क्या, तो अब इन चीज़ों से आपको बचना है। सबसे पहले तो ये चीज़ें आपको जो चारों ही मैंने दी है, स्वर आगम नहीं लेके आना है, व्यंजन आगम, वर्ण क्रम, सर ये है क्या, आपने लिखवा तो दिया हमें भी नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, मैंने एक छोटा सा बताया आपको, क्या पता क्वेश्चन अगर यहाँ से कोई बन जाए तो आपका ये पार्ट भी नहीं छूटे, क्या भाई होता क्या है, अशुद्ध वर्तनी के कारण क्या है, एक प्रश्न यहाँ से भी कभी बन सकता आया नहीं है, लेकिन कोई भरोसा नहीं बनाने वाले का, ठीक है।
नेक्स्ट है जैसे अशुद्ध वर्तनी लेखन कैसे शुद्ध वर्तनी लेखन है जो कैसे संभव हो सकती है, बस ये सबसे बड़ा प्रश्न आपके मन में अभी जो आ रहा है वो मैंने फील किया है। तो शुद्ध वर्तनी लेखन सर इतना सब कुछ है तो वो संभव कैसे होगा, बस तो इसका सबसे बड़ा एक ही तरीका है, बता दूं अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अभ्यास करना पड़ेगा। मैं आपको कोई दूसरा टॉपिक पढ़ा दूँ और कोई नेक्स्ट अगर संधि पढ़ा दूँ सब पढ़ा दूँ, लेकिन सच बताऊँ तो इससे बोरिंग टॉपिक कोई नहीं है शुद्ध वर्तनी वाला। लेकिन ये भी कंफर्म है कि इसमें अगर जो क्वेश्चन बनेंगे आप पूरे में से पूरे नंबर लेके आ सकते हैं, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा, आपका विश्वास मेरे साथ है। जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ, जो मैं आज लिखने वाला हूँ, मैं पहले आपको क्लियर कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर आपको जितने मैंने उदाहरण लिखवाए हैं अगर चार प्रश्न बने तो जहां तक मेरा मानना है कि कम से कम तीन प्रश्न इसमें से ही बनेंगे, क्योंकि ये सालों का अनुभव है मेरा, ठीक है, कम से कम तीन प्रश्न, क्योंकि बार बार जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है वो मैंने सारे सारे इंक्लूड कर दिए हैं, कम से कम तीन बने हैं। अब आप सोचो सर मैं तो एक और बढ़ाना चाहूंगा तो क्यों नहीं मैं और बड़ी बड़ी किताबें देख लूँ, क्या आप पहले ऐसा करें कि पहले ये तीन वर्ड याद कर ले जो मैं आपको बताने वाला हूँ, सारे वर्ड याद कर ले, इनमें से तीन ये जो आ जाए बस यहाँ गलती मत करना, ऐसा नहीं हो कि मेरी मेहनत आप खराब कर दो, यहाँ तीन खराब कर दो पहले, क्योंकि इससे कम तो मैं नहीं मानता कि भाई तीन वर्ड नहीं आए तो चलो मान के चलो अगर दो भी आए तो भी एक बहुत बड़ी जीत होगी कि चलो दो इसके अंदर आए हैं, फिर आप चाहे जो करें, लेकिन पहले इन चीज़ों को यहाँ पर नंबर आप कन्फर्म कर दें क्योंकि गलती यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ये आपको विश्वास करना होगा और कॉपी किताब में जो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे लिखना होगा। अब दूसरा है शुद्ध शब्द जो है वो बार बार देखना व लिखना, ये सबसे मेन टॉपिक है इसका, ये समझाने के लिए सबसे जरूरी रहेगा कि शुद्ध वर्ड बार जो शब्द है जो बार बार देखेंगे और लिखेंगे। अब कैसे सर इसको आप देखो मैं एक साइंटिफिक तरीका बताता हूँ, मैं शुद्ध शब्द को बार बार देखने और लिखने से होता क्या है, अगर मैं आपके सामने एक भारत का झंडा बनाऊँ है ना, तो ये भारत का झंडा है आप देख पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ये भारत का झंडा ऐसा ही बनता है, आपने ऐसा देखा कभी? हाँ झंडा तो है भारत का, लेकिन आपको पता है कि हमने झंडा जो देखा है वो हमेशा ऐसे देखा है। दो मिनट मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ उसको थोड़ा गौर से सुने, ठीक है दोस्तों, आपने हमेशा झंडे को ऐसे देखा होगा है ना, ना कि ऐसे देखा होगा। दूसरा अगर मैं कोई लड़का खड़ा करूँ यहाँ पर, ठीक है अच्छे से समझना, अगर मैं किसी लड़के को खड़ा करूँ और मैं ये दायां है हाथ, ये बायां भाग है आपको पता ही होगा बायां, ठीक है आपको पता है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ कि इसने घड़ी कहाँ पहनने घड़ी कहाँ, तो आप बताओगे कि सर घड़ी हमेशा बाएं हाथ में पहनी जाती है, तो बाएं हाथ में इसने कोई घड़ी पहनी है। अब इस घड़ी में जो घड़ी को गौर से देखा, इस घड़ी में जो जैसे आपके पास भी अगर कोई घड़ी होगी कांटों वाली तो आप बताइए उसमें 1, 2, 3, 4, 5 लिखे हुए हैं या डैश 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 किए हुए हैं। तो आपने अगर बार बार देखा है अपनी घड़ी को या आपके भाई के पास जो घड़ी है तो आपको याद रहेगा हाँ सर ये डैश डैश किए हुए या 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है। यानी कि समझाना मुझे यही है कि जब हम एक ही चीज को सही तरीके से बार बार देखते हैं तो आपको उस चीज को वैसे ही रूप में देखने की आदत हो जाती है, नहीं तो आप कह नहीं सकते। जैसे मैं एक और उदाहरण ले लूं कि भाई इसकी पॉकेट जो होती है जेब जो ऊपर शर्ट पे, तो शर्ट पे इसकी जेब कहाँ होगी, तो आप बताएंगे सर शर्ट पे जेब हमेशा बाईं ओर ही होती है, ठीक है ये आपको पता चला। तो कन्फर्म है कि जब हम एक चीज को सही रूप में देखते हैं तो हम वहां पर सही होते हैं, बता पाते हैं हाँ सर ये इसी रूप में हमें देखना है। अगर मैं आपके सामने दोनों प्रकार के झंडे खड़े कर दूं, ठीक है ना, आप शुरू से ये दोनों झंडे देखते आए हों, तो ये अशुद्ध है, ये शब्द है जो अशुद्ध है और ये शुद्ध शब्द है, तो आप इसमें फेर नहीं कर पाओगे, है ना, आप फेर ही नहीं कर पाओगे, आप क्योंकि सर ये भी सही है ये भी सही है, कौन सा ग्रुप का ये गलत हो गया, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तीसरी मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने बहुत बार देखा है ये ट्रैफिक की लाइट है, यहाँ पर तीन बत्ती होती है, इसमें ऊपर वाली कौन सी है, बीच वाली कौन सी है, नीली नीली नहीं होती, एक हरी होती है, एक पीली होती है और एक लाल होती है, तो बताइए कौन कौन सी है, ऊपर नीचे से क्रम बताइए मुझे, ठीक है, क्योंकि आपने इसे अच्छे से नहीं देखा, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से देखेंगे तो आपको भी ये पता चल जाएगा हाँ सर ये कौन सी है। तो मेरे इतना समझाने का मतलब यही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ शुद्ध शब्द बार बार देखना है। कॉपी किताबों में क्या होता है दोस्तों, कॉपी किताबों में जब लिखा होता है हमारे पास नोट्स होते हैं तो एक तरफ तो क्या होता है अशुद्ध शब्द लिखे होते हैं, है ना, कि यहाँ पर अशुद्ध शब्द लिखेंगे और एक तरफ कहते हैं आप शुद्ध शब्द, ठीक है ना। अब बच्चा क्या है कि इसको भी 10 बार देखता है और इसको 15 बार देखता है या 10 बार देखता है ना, तो वो कभी भी इस चीज को पकड़ नहीं पाएगा,
ठीक है ना, इस चीज को पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन हमें ऐसी पढ़ाई नहीं करनी है, हमें कैसी पढ़ाई करनी है, जो नरेंद्र सर बता रहे हैं और जो बता रहे हैं उस पर आपको विश्वास रखना है। कॉपी पेन लेके बैठो, ज़्यादा इसके बारे में जो मैंने बताया है वो जहन में रखो, मन में रखो, और शुरू करते हैं हम लिखना। शुरू करें दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड जो जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ, उन शब्दों को थोड़ा फैमिलियर हो जाना और थोड़ी जगह भी छोड़ते रहना, क्योंकि मैं हर चीज़ को आपको तोड़ तोड़ के और जोड़ के भी बताऊंगा, जैसे आप याद कर पाओ। दो तीन तरीके बताऊंगा आपको। उस तरीके से क्या है कि अगर एक तरीका आपको समझ में नहीं आया या एक तरीका आप भूल गए, तो दूसरा तरीका हम याद करने के लिए ज़रूरी होगा, ठीक है। वो वैसे ही होगा जैसे हम कहीं जाते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर हमें, हमारे पास एक आईडी होती है, दूसरी कोई और चीज़ होती है। तो एक चीज़ अगर हम भूल जाते हैं, जैसे कॉपी में लिख दिया तो हमने फ़ोन में भी वो चीज़ लिख दी, तो कहीं ना कहीं से याद हो ही जाता है। तो दो तीन तरीके हैं, तो उन चीज़ों को हम लिखना शुरू करते हैं। तो पहला शब्द हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिए, अनधिकार, ठीक है। ये सही शब्द है, सारे शब्द सही है, कोई मैं अशुद्ध नहीं लिख रहा। आपको ध्यान होगा कि यहाँ पर जो अशुद्ध वर्ड है, ठीक है ना, अशुद्ध है, मैं अशुद्ध लिख ही नहीं रहा, मुझे लिखना ही नहीं है, ना तो आपको लिखना है, ना तो किसी किताब में देखना है, ना कॉपी में देखना है। आप बस इसको याद कर लो, और इसको याद करने के बाद चार से तीन, नहीं तो दो, मेरा पूरा अनुमान है चार में से चार ही जो मैंने लिखा है आने की पूरी संभावना है, नहीं तो तीन और दो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आए नहीं इन चार में से। या तो ऐसा ही होगा कि पेपर शटर मेरे सारे जो मैंने जो बताए हैं, ठीक है ना, अब मैं तो क्या बताऊँ, इतना बड़ा नहीं बोलूंगा, लेकिन जो बताए गए हैं इनमें से कि भाई पूछना ही नहीं है, नरेंद्र सर को फेल करना है, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने अपने आप नहीं बनाया है, क्योंकि मैंने बहुत पुराने पेपर्स वगैरह उठाए थे, नोट्स बनाए थे, तो वहाँ से ये जो सारी सामग्री है जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बताया है। तो पहला वर्ड है, देखो दो तीन चीज़ों का और ध्यान रखना आप, जब मैं आपको उच्चारण करूँ, उच्चारण करते ही आपके मन में एक तस्वीर आ जानी चाहिए, उच्चारण के समय एक फोटो आ जानी चाहिए, है ना, फोटो की तरह आपके सामने एक वर्ड आना चाहिए, पहला ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर उसका बार बार देखना है और वो हमेशा शुद्ध देखना है, शुद्ध रूप में। पहला तो हुआ उच्चारण, उच्चारण करते ही आपके दिमाग में फोटो बन जानी चाहिए एक वर्ड की, बड़े रूप में बननी चाहिए, और दूसरा ये शुद्ध होना चाहिए, ठीक है ना। तीसरा आपको विश्वास करना है अपने ऊपर के, बस ये बिल्कुल ठीक है हमारा जो किया हुआ है, अशुद्ध देखना ही नहीं है आपको, शुद्ध ही देखना है, ठीक है। जैसे मैंने पहला बोला अनधिकार, तो अनधिकार कैसे लिखते हैं, अ न मेरे साथ साथ लिखेंगे आप, दो बार लिख लीजिए, जहां तक मैं एक लिखता हूँ, जरूरी नहीं है आप एक बार ही लिखे। अनधिकार, अनधिकार ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, और ऐसे ही लिखा जाएगा। और क्यों लिखा जाएगा, तो यहां पर अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं तो अन, ठीक है ना, यह हलंत आएगा यहां पर, दन अधिकार, ये अ इसके अंदर लगा, ठीक है ना। अब सर ये संधि का नियम लग रहा है, समास का लग रहा है, या उपसर्ग का लग रहा है। अब नियमों का मैंने बताया था आपको जब मैं पीछे चला था कि भाई नियमों का ज्ञान नहीं होना, ठीक है ना, यहां देखो मैंने लिखा है कि नियमों का ज्ञान नहीं होना, तो नियम काफी है, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय के होते हैं नियम। लेकिन आपको मैं यहाँ पर भ्रमित नहीं करूंगा, मुझे आपको अभी ये शब्द बताना है शुद्ध कैसे लिखा जाता है। तो शुद्ध है अन धन अधिकार, आप इन दोनों टुकड़ों को लिखो, अन धन अधिकार, इससे वन अन अधिकार, ठीक है, ये बिल्कुल सही है और आपको इससे आगे नहीं बढ़ना है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा, जैसे दुर्वस्था, ठीक है ना, मैंने बोला है दुर्वस्था, दू र व आधा स और था, बड़े बड़ा लिखना है आपको, थोड़ी जगह छोड़ छोड़ के लिखनी है, दुर्वस्था, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर गलती कहाँ होगी, जैसे अनधिकार में यहाँ गलती होने के समय आप अनाधिकार कर दो, तो यहाँ आप एक टिक लगा देना, ठीक है, टिक एक यहाँ लगाना, यहाँ न आएगा। दुर्वस्था में एक टिक यहाँ लगाना, यहाँ दुरा नहीं होगा, दुर्वस्था होगा, ठीक है। दुर के साथ में वही अगर मैं बताना चाहूँ तो दुर ऐसे बनेगा, उसके साथ अवस्था बनेगी, ठीक है, तो ये दुर्वस्था बन गया, ठीक है, यहाँ पर आप टिक लगा देना, उतारते रहो साथ साथ में, रुकना नहीं है आपको, ठीक है दोस्तों। तीसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, एक आपको लिखना है अधीन, ठीक है, अब यहां टिक लगा दो, अधीन नहीं होगा, ठीक है, टिक यहां लगा दो, और याद रखना है जहां टिक आप लगा रहे हो, ठीक है। चौथा है आपको लिखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, जो मैं आपको अलग से इंपोर्टेंट कर देता हूं, जैसे अनधिकार है, ये आप यहां डबल राइट कर दो, ये इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है, इसको ज्यादा देखना है आपको, और बाकी वाले आप देखें नहीं देखे चलेगा, लेकिन जहां मैं टिक लगाता हूँ वो आपको ज्यादा देखने है। अनाधिकार हो गया, दूसरा दुर्वस्था, ठीक है, दुर्वस्था को आप डबल टिक लगा दो। एक लिख रहा हूं मैं गत्य विरोध, है ना, गत्य विरोध, ये गत्य विरोध लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, है ना, ये स्टार लगा दो इसके ऊपर, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये गत्य विरोध, कितनी बार पूछा गया है और बार बार पूछे। अब इसके टुकड़े करते हैं, गति धन अवरोध,
अब क्या होता है कि इससे ई मिली, इससे अ मिला, तो ये बन गया य, ठीक है, और यहाँ पर रह जाता है आधा त, और आधा त, और यहाँ ग, ग, त, य, ठीक है ना, वही व रोद, ग, त, व रोद। समझ में आया दोस्तों? तो अब आपको यहाँ पर निशान यहाँ लगाना है, ये आपको शब्द याद रखना है, त, य, ठीक है, लिख लिया, घबराने की बात नहीं है इसमें। अब वापिस क्या समझाऊँ, सब कुछ आपके सामने ही है, आगे चलना है हमें, ठीक है दोस्तों। गति अवरोध हो गया, एक इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी, लिखते जाओ, इंपॉर्टेंट टिक लगाऊं नहीं लगाऊं मैं बोल रहा हूं, आप टिक लगाते जाइए। ये है भगीरथ, ठीक है, ये भगीरथ रहेगा, आप भागीरथ नहीं करोगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट लिख रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट ही रखो आप, अत्यधिक, यहाँ गलती हमारे बोलने में होती है, अत्या नहीं होगा, है ना, अति धन अधिक, वही यहाँ पर ई और अ मिलेगा, जैसे अति है ना और धन अधिक। अब ये जो आप टुकड़े कर रहे हो ना दोस्तों, ये संधि में बहुत अच्छे काम आएंगे आपके, ठीक है। और आप कह रहे हो संधि कब पढ़ाओगे सर, देखो दोस्तों, जब मैं आपको कुछ पढ़ाने बैठता हूँ या मैं कुछ भी पढ़ाना शुरू करता हूँ, तो अगर मैं आपको 1 घंटा पढ़ाऊँ तो कन्फर्म है कि ये 1 घंटा जो पढ़ाता हूँ उसके लिए मुझे 5 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको पता है कि मेरा सारा टाइम अभी हॉस्पिटल में ही निकल रहा है ना, तो मैं अभी ये मैंने टॉपिक लिया है, इसको पढ़ो और कोशिश करते हैं आगे। देखो आप लोगों की प्रे है, दुआ है, बाकी दौड़ भाग है मेरी, जो जल्दी वो स्वस्थ हो जाए तो आगे कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन आप प्लीज़ मेरे भरोसे मत रहना, क्योंकि मैं खुद भगवान भरोसे हूँ अभी, और आपकी दुआओं के भरोसे हूँ। तो आप साथ साथ पढ़ते रहें, जहाँ पर भी आप कोचिंग कर सके कोचिंग करें, लेकिन अपने साथ खिलवाड़ नहीं करें आगे। कमेंट्स मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप इतना पसंद करते हैं, इतना आपका प्यार मिल रहा है मुझे, ठीक है ना। लेकिन सब कुछ अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका। लेकिन आप पढ़ाई के साथ जुड़े रहें, ठीक है दोस्तों, मैं जितना हो सकता है मैं आपके लिए करूंगा, लेकिन मैं पास कराने के लिए आपके साथ हूँ, ना कि मैं आपके फेल होने का कारण बनूँ। अतः तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत करते से अति धन अधिक, अत्यधिक, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर टिक आपने जैसे लगा लिया, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना, आप अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी, ठीक है दोस्तों, बस इसको आप थोड़ा ध्यान रख लो, अभ्यर्थी आसानी है। नेक्स्ट आ रहा है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, अहल्या, ठीक है, अहल्या होगा। अब यहां पर ह पे टिक लगा दो, या ह आएगा, ठीक है। यहां आप इससे ध्यान रखना, हल है ना, आधा हल, ठीक है ना, ह आधा ल, तो अहल्या से यहाँ आधा ह आएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये, और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। हम जैसे प्रदर्शनी चलते हैं, ठीक है ना, तो प्रदर्शनी वो कैसे लिखा जाता है, तो देखो ये है सही तरीका इसके प्रदर्शनी चलने का, ठीक है ना, प्रदर्शनी जाने का, ये सही तरीका है प्रदर्शनी, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि इसको गलत कर देते हैं, लेकिन इसको हम सही कैसे करें, तो प्रदर्शनी में आपको ध्यान रखना है आप क्या क्यों जाते हैं, आप कुछ खरीदारी करने, लेकिन उन लोगों ने खरीदारी करने के लिए क्या किया गया है कि प्रदर्शनी लगाई है, प्रदर्शन किया है किसी चीज का, प्रदर्शन किया है, तो प्रदर्शन ऐसे लिखा जाता है, प्रदर्शन ऐसे लिखा गया, ठीक है ना, उसके साथ में ई लगाई, ठीक है, तो प्रदर्शनी बन गया। तो यहां पर गलती कहाँ होगी आपसे, ध्यान रखना, एक तो यहां आप गलत मात्रा लगा दोगे, सी लगा दोगे, जैसे प्रदर्शनी नहीं, आपको पहले बोलना भी सही है, प्रदर्शनी बोलना है ना, तो प्रदर्शनी, तो यहां पर आपको पहले तो स पे आपको ध्यान रखना है, और दूसरा नी की मात्रा छोटी नहीं करनी है। इसके 4 टुकड़े ऐसे बनते हैं, अगर ऑप्शन बने ना, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कैसे बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैं लिखता हूँ, एक बाग में लिखता हूँ, जैसे प्रदर्शनी लिख दिया, अब मैं आपको गलत नहीं बताना चाहता, लेकिन बता देता हूँ, जैसे प्रदर्शनी ऐसे लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ जोड़ दी, ठीक है, और यहाँ जोड़ दिया प्रदर्श, ठीक है ना, ये प्रदर्श यहाँ तो सही लिखा, लेकिन ये यहाँ डाल दी, और चौथा आपके सामने लिखा हुआ है ही है, ठीक है, यही वाला शब्द जो आपके यहाँ लिखा हुआ है, तो फिर एंड तक आप पहुँचोगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो ही जाओगे, आपको शायद पहला वाले सही लिखेगा, लेकिन वैसा नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो प्रदर्शन के साथ में जब बड़ी ई लगती है तो प्रदर्शनी बन जाती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, जैसे हम कहते हैं ये वाक्य में ज्यादा आएगा है ना, कि वो वापिस आ रहा था, तो वापिस नहीं होता हमेशा, क्या होता है वापस, बस ये यहां पर आपको ध्यान रखना, वापस, वापिस जैसा शब्द नहीं होता कुछ भी,
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, देखो कुटुंब लिखते हैं, कुटुंब, कुटुंब ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। जो कुटुंब होता है ना, इसमें दोनों जो मात्रा होती है वो छोटी आएगी, यह आपको ध्यान रखना, ठीक है। उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जो लो और सर, जुलूस होता है ना दोस्तों, जहां पर जुलूस होता है आपको ध्यान रखना है। मैं कुछ टिके बताता हूँ, जैसे ये पहली गाड़ी होती है जुलूस की, वो इस तरफ जाती है और लास्ट वाली गाड़ी वो इस तरफ भी जाती है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि इस गाड़ी से ये मात्रा ध्यान रख लो, उस गाड़ी से ये वाली मात्रा ध्यान रख लो, तो जुलूस याद रह जाएगा आपको, ठीक है। और अब जो आ रहा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछा गया है, मैं थी और ली, दोनों मात्रा ध्यान रखना, इसमें दो मात्रा है, मैं में डबल मात्रा होगा, थी में छोटी और ली में बड़ी, याद रख लीजिएगा आप, ठीक है दोस्तों। जैसे कोई परीक्षा की बात करते हैं, आगामी सत्र की बात करते हैं, तो आगामी नहीं होगा, ये आगामी होगा, यहाँ पर आप टिक लगा लो, ठीक है, अ के नीचे। नेक्स्ट चले, अब देखो ये कई बार पूछा गया है, महात्म्य लिखा जाता है या महात्मा लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, तो म, ठीक है ना। अब म से ये शुरू होगा या नहीं होगा, आपको महात्म्य मैंने बोला तो एक पिक्चर क्या बनेगी, तो मा हा आधा त आधा म और य, महात्म्य, ठीक है दोस्तों। अब ये बना कैसा है, कैसे बना, तो देखो म हा तो मा, महात्मा के साथ में य जुड़ा, जब य जुड़ता है तो ये आपको आगे नियम बताऊंगा प्रत्यय के, ये पहले वर्ण में परिवर्तन करता है, अत ये मा बन जाएगा, फिर बाद वाले शब्द मा त, और ये वाला शब्द जो है, जो अपने जो लास्ट वाला है वो अंतिम जो वर्ण होता है वो आधा रह जाएगा, तो ये मा त आधा म, और फिर ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो महात्म्य आया समझ में, नहीं आया तो वापस बता दूं मैं आपको, देखिए जैसे य जहां जुड़ता है तो वो पहला जो वर्ड है उसे मात्रा को बढ़ा देता है, अ होगा तो आ कर देगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर बना माँ, ठीक है, दोनों वर्ड जैसे बीच में हा है तो हा तो ऐसे ऐसे रहेगा, आधा त है, आधा त भी उतर गया, अब ये जो माँ बचा पीछे, तो माँ अपना आधा रूप ले लेगा, यानी हलंत लग जाएगा इसके साथ में, यानी आधा हो जाएगा, तो आधा त, और फिर यह महात्म्य, अब समझ में आया आपको, ठीक है। महात्म्य ऐसे लिखा जाता है, और मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, तीन बार देख लिया ये अगर आ गया तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कुमुदिनी, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, कुमुदिनी ऐसे लिखना है आपको, कुमुदिनी लिख देंगे आप। नेक्स्ट है मुकुट, मुकुट, देखो कुमुदिनी और मुकुट, इन दोनों में आपकी मात्रा जो है एक तरफ है, वो किस तरफ है, आगे की तरफ है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, अ ति स यो आधा क और ति, अति संयोक्ति, अब यहां गलती कहां होगी, ध्यान रखना आधे स में होगी, तो यहां इंपॉर्टेंट लगा के यहां लिख दो, अति संयोक्ति, जो स है, देखो मैंने इसमें आपको उलझाया है, पहले आधा स लिखा था फिर पूरा स लिखा है, और ये मेरी बातें आपने अच्छे सुनी तो वहां याद आएगी कि हाँ हाँ सर यहाँ स पूरा है, क्योंकि ये जब कॉन्वेंस होती है एक दूसरे से तो वो बहुत ज्यादा याद रहता है, तो अति स, स ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, समझ में आया आपको, ठीक है आगे चलें। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी है, क्योंकि मैं ज्यादातर इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूँ, कुछ शब्द जो इंपॉर्टेंट इतने नहीं होते फिर भी उनके पूछे जाने की संभावना रहती है, क्योंकि कोई पेपर बनाने वाला भी ये नहीं चाहता कि करे क्या कि सब चार ही वर्ड ज़्यादा हार्ड भी नहीं दे सकते, एक दो तो हल्के भी देने पड़ते हैं, नहीं तो बच्चा कोई कहेगा भाई बहुत ज़्यादा टफ पेपर आया है ना। तो देखो युधिष्ठिर है ना, तो यहाँ पर युधि धन स्थिर, युद्ध धन स्थिर ऐसे आएगा, ठीक है ना, इसका जो संधि विच्छेद है युद्ध धन स्थिर होता है ना, ये स्थिर, ये ऐसे बनता है स्थिर, और ये ठ में बन जाता है, ये संधि का नियम है, मैं अभी नहीं समझा पाऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आपको ध्यान रखना ठ आएगा यहाँ पर, क्या आएगा ठ, आधा स और ठ आ जाएगा, समझ में आया आपको, क्यों युधि युधिष्ठिर, युधिष्ठिर आपको इसको बोलना है, पांच छह बार बोलना है, युधिष्ठिर युधिष्ठिर युधिष्ठिर,
है ना, बोलना है और साथ में इसको लिखना है, युद्ध तन स्थिर, आपको याद हो जाएगा कि हाँ ये ऐसे बन जाता है, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट है वो भी इम्पोर्टेंट ही है, अ आधा न, लिखो मेरे साथ अ आधा न और आधा त, इतना लिखा अंत्य, ठीक है ना, अंत्य, और उसके साथ में जुड़ता है जब अक्षरी, ठीक है ना, अंत्य दन अक्षरी, अक्षर, ठीक है, अंत्य दन अक्षर दन ई जुड़ता है तब बनता क्या है, अब आप मुझे बता दो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो अगर मैं इसको भी आगे तोड़ना चाहूँ तो मैं तोड़ सकता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया अंत दन य, ठीक है ना, यहाँ मैं वापिस लिख देता हूँ इस शब्द को, अंत दन य दन अक्षर दन ई, अब ये क्या बनेगा, ठीक है ना। अब आप इसको मुझे सही लिख के बताओ, मैं जानना चाहता हूँ किस किसने सही लिखा। जब मैंने बताया था य कहीं पर जुड़ता है, ठीक है, तो य जब जुड़ता है तो हालांकि पहले वर्ड के बारे में मैंने बताया है, लेकिन आपको थोड़ा यहाँ पर सब्र रखना है, यहाँ पर पहले त तो की मात्रा आधी कर देनी है, ठीक है, तो अ आधा न आधा त और फिर य अंत्य बना, ठीक है, अंत्य बना, अंत्य, और इसके साथ में अ की मात्रा लगी तो आ बन गया, फिर स ऐसे ऐसे आया, फिर र और ई की मात्रा, अंत्याक्षरी, आया समझ में, अंत्याक्षरी किसने ऐसा लिखा है, जिसने लिखा है बिल्कुल ठीक है, अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाता है। अब गलती कहाँ होगी, यहाँ आधा न और त में होगी गलती, है ना, यहाँ पर गलती होगी आपसे, और दूसरी गलती होगी आपसे, ये मात्रा आपको ध्यान रखना है, पीछे बड़ी वाली आएगी, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट है फी ट की और री, फिटकरी, ठीक है दोस्तों, ये फिटकरी कैसे आया है, यहाँ शब्द फिटकरी है तो हम यहाँ की मात्रा में कुछ गलती नहीं कर दे, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ये की और री की मात्रा में। वैसे ही एक और शब्द लिखता हूँ मैं, वी र ही अणी, वीरणी ऐसे लिखना है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब ध्यान रखना दोस्तों, जैसे मैंने लिखा था भगीरथ, तो ऐसे लिखा जाता है ब गी र थ, भगीरथ ऐसे लिखा जाता है, लेकिन अगर हम भागीरथी की बात करें, ठीक है दोस्तों, तो बा गी र थी, भागीरथी, भगीरथ तो ध्यान है वो राजा भगीरथ थे, और भागीरथी हमारी गंगा माता को कहते हैं, तो भागीरथी, ठीक है दोस्तों, आया समझ में। नेक्स्ट है यही लिख देते हैं, ठीक है, नृत्यांगना, नृत्य, ठीक है ना, नृत्य, उसके साथ में अंगना, अंगना स्त्री को कहते हैं, ठीक है ना, अंगना स्त्री को कहते हैं, तो ये क्या बनी, नृत्यांगना, नृत्या, ठीक है ना दोस्तों, और नृत्यांगना, नृत्यांगना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एक और लिखते हैं, लौकिक, लौकिक में क्या होगा, की छोटी आएगी और यहाँ पर दो मात्रा आएगी लौकिक में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना आप। तो आज तक के लिए, आज के लिए तो दोस्तों इतना ही, अब मैं आपको वापस एक बार पीछे लेके चलता हूँ। शब्द शुद्धि है क्या, मैंने बताया, सब स्वर का आगम लोप, व्यंजन का आगम लोप, वर्ण क्रम भंग हो जाए या परिवर्तन हो जाए, गलत वर्ण आ जाए, संयुक्ताक्षर संधि संबंधी नियम का ज्ञान, जैसे संधि अभी मैंने बताई थी वो सारे संधि वगैरह मैं टुकड़े कर रहा हूँ, और ऐसा शब्द शुद्धि का टॉपिक है आपको कोचिंगों में पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, कौन कोई नहीं मेहनत करता है इतना, ना तो करवाना चाहता है, आप भाग्यशाली हैं और थोड़ा भाग्य मेरा भी बना रहे, इस पर से यही चाहता हूँ कि बस ठीक हो जाए मेरी वाइफ, और आप मुझे दुआएं दीजिए कि जल्दी वो ठीक हो जाए। और यहाँ शब्द शुद्धि जो है मैंने बताया था ये कैसे संभव होगी, तो शुद्ध शब्द को ही आपको बार बार देखना है, शुद्ध शब्द के देखने के लिए मैंने ये जो आपको डायग्राम बताए थे उन चीज़ों से आपकी ये चीज़ जो क्वेश्चन से पूरे हो रहे हैं, हाँ सर शब्द शुद्ध देखने से क्या होता है, बार बार देखने से क्या होता है ना, हमें हमेशा शब्द को शुद्ध रूप में देखना है, किताबों में अशुद्ध रूप भी लिखा होता है वो हमारे लिए घातक है। दूसरा जैसे मैंने बताया था अनधिकार दुर्वस्था, ये जो जितने भी शब्द है, अब मैं फटाफट लेके चल रहा हूँ आपको, जितने भी ये शब्द है मैंने देखो आपको बताए हैं, यहाँ तक आपको लास्ट बताए हैं, तो ये अब जो 15-20 जो भी शब्द दिए हैं, ये 15-20 चार पाँच दिन हम चलाएंगे, कुल मिला के 100-200 शब्द तैयार करेंगे, बस इतने ही तैयार करेंगे, इतना ही काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपका। लेकिन इनमें से एक शब्द अब आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई छूट गया सर, लिखा तो था हमने पढ़ा नहीं, गलती हो गई, अब कॉपी में उतार लो और इसे हमेशा संभाल के रखो, क्योंकि ये बहुत आगे तक काम आने वाला अगर आप आगे पढ़ना चाहें तो, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही और धन्यवाद आपको।